वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में थाई सुपरनेचुरल हॉरर मूवी शटर को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को बेन जोंग पिसेथनाकन ने डायरेक्ट किया है। इसका इंग्लिश वर्जन 2008 में रिलीज हुआ था। इस कहानी की शुरुआत में हम दो कपल टुन और जेन को देखते हैं। टुन एक फोटोग्राफर होता है और जेन फोटोग्राफी की फोर्थ ईयर स्टूडेंट होती है। जेन टुन की गर्लफ्रेंड होती है। टुन अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर रहा होता है। यहाँ टुन की शादी और उसके एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र हो रहा होता है और वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं। रात टुन और जेन अपने घर लौट रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके कार के सामने एक लड़की आ जाती है और कार से टकरा जाती है। उनकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो जाकर बिलबोर्ड से टकरा जाती है। टुन जेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जेन उस लड़की की मदद करने के लिए कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टुन बहुत घबरा जाता है और कहीं वो किसी बड़े मुसीबत में ना पड़ जाए। वो जेन को वहां से तुरंत निकलने को बोलता है और वो लोग उस घायल लड़की को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं। अगली सुबह टुन जब एक फोटो शूट करता है तब उसे एक मिस्ट्रिकल दिखाई देती है। वो थोड़ा घबरा जाता है। घर लौटने पर वो देखता है कि जेन रात को हुए हादसे को लेकर काफी डिप्रेस होती है। टुन फोटो लैब जाता है जहाँ वो अपने खींचे हुए फोटो के प्रिंट्स निकलवाता है। वहां वो एक टी नाम के व्यक्ति से अपने फोटोज को मांगता है और जब वो अपने फोटोज को चेक करता है तो उसे बहुत सी फोटोज में एक अजीब सा वाइट शेडो दिखाई देता है। वो टी को कहता है कि तुमने इस फोटो को सही से प्रिंट नहीं किया है। जब वो नेगेटिव चेक करते हैं तो उसमें भी वो वाइट शेडो दिखाई देता है। टुन काफी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेन अपने घर में आती है तो उसे फोटो डेवलप करने वाले रूम से कुछ आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि टुन अंदर है। वो उसे आवाज देती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो उस रूम के अंदर जाती है। वहां उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ वॉश बेसिन से पानी बह रहा होता है। जब वो उसे बंद करने जाती है तो उसमें से एक लड़की बाहर निकलने लगती है और एक खोस कल उसकी ओर आती है। तभी जेन की नींद खुल जाती है। वो एक सपना देख रही होती है और वो बहुत डर जाती है। वो टुन को अपने सपने के बारे में बताती है। वो उससे कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टुन अपने कैमरे को चेक कर रहा होता है, तभी जेन उससे पूछती है तुम्हारे कैमरे को क्या हुआ। वो कहता है मुझे नहीं पता। जेन उसके फोटो में व्हाइट शेडोज को देखती है। टुन उसे कहता है कि शायद ये मेरा कैमरा टूट गया है। तभी जेन को एक फोटो में एक लड़की की शेडो दिखती है। वो घबरा जाती है। वो टुन को वो फोटो दिखाती है और कहती है कि कहीं वो लड़की मर तो नहीं गई। टुन उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कल ही इस कैमरे को बनवा लेगा। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस रात किसी भी एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। तभी टुन की नजर एक बोर्ड पर जाती है जहाँ कई सारे एक्सीडेंट के फोटोज होते हैं। तभी जेन उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें उसी तरह का व्हाइट शेडो होता है जो टुन की फोटोज में था। वो लोग वापस उसी स्पॉट पर आते हैं जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। वहां पता करने पर उन्हें यह पता चलता है कि कुछ दिन पहले कार ने बिलबोर्ड को टक्कर मार दिया और उसे तोड़ दिया। पर जब टुन पूछता है कि क्या कोई घायल भी हुआ था तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, सिर्फ बिलबोर्ड ही टूटा है, बाकी किसी के भी घायल होने जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी टुन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वह बताता है कि किसी भी हॉस्पिटल में उस रात किसी भी एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जेन को इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उन लोगों से एक एक्सीडेंट हुआ था और एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे आ गई थी। टुन रात को नेगेटिव रील की प्रिंट निकाल कर उसे चेक करता है, तभी उसे वो शेडो वाली लड़की हॉन्ट करती है। टुन बहुत डर जाता है। अगली सुबह टुन वापस टी के लैब जाता है और उसे अपनी फोटो दिखाता है। टी उसे कहता है कि शायद से लड़की की स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही है। फिर वो टुन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये कोई स्पिरिट नहीं बल्कि डबल एक्सपोजर का कमाल है। दूसरी तरफ जेन जब कॉलेज से घर आ रही होती है तभी उसकी नजर एक मैगजीन स्टोर पर रखी एक मैगजीन पर पड़ती है जिसमें
स्पिरिट्स के पिक्चर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ टून अपने घर के लैब में प्रिंट डेवलप कर रहा होता है और तभी वहां जेन आती है और टून उसे कहता है कि आज तुम बड़ी जल्दी आ गई। और तभी उसे फोन की आवाज आती है। जब वो फोन उठाता है तब उस फोन पर जेन होती है। जेन की आवाज सुनते ही टून शॉक्ड हो जाता है और जैसे ही वो वापस लैब चेक करता है तब वहां कोई भी नहीं होता। टून बहुत डर जाता है। अगले दिन टून और जेन कार से जा रहे होते हैं। कार चलाते वक्त टून की गर्दन में दर्द हो रहा होता है। जेन के दर्द का कारण पूछने पर टून उसे बताता है कि एक्सीडेंट वाली रात से ही उसके गर्दन में दर्द हो रहा है। जेन डॉक्टर से मिलने को बोलती है पर टून उसे मना कर देता है। टून और जेन उस मैगजीन कंपनी वाले के ऑफिस जाते हैं। वहां वो लोग एक आदमी को फेक स्कैरी फोटोज को एडिट करते हुए देखते हैं। जेन की नजर वहां पर कई सारी फोटोज पर जाती है और वो ऑनर से पूछती है कि क्या ये सभी फोटोज फेक हैं? ऑनर उन्हें कहता है हाँ, ये सारी फोटोज फेक हैं। और ये भी बोलता है कि आप हर बार रियल फोटोज को नहीं पा सकते। टून उसे कहता है कि क्या ये लोगों को धोखा देने जैसा नहीं है? वो टून को कहता है कि हमारे रीडर्स को स्कैरी फोटोज देखना है, ना कि लव स्टोरीज। जब जेन कहती है कि इसका मतलब पब्लिश होने वाली सारे फोटोज फेक हैं, इस पर वो ऑनर कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो सारे फोटोज फेक हैं। फिर ऑनर उन्हें एक एल्बम दिखाता है। उस एल्बम में से वो एक फोटो निकालकर उन्हें दिखाता है और कहता है कि ये फोटो मेरे घर की है, जिसमें मेरे पीछे की ओर मेरी माँ की अलौकिक छाया है। ये फोटो मेरी माँ के मरने के कई वर्षों बाद ली गई है। वो ये भी बोलता है कि कभी कभी स्पिरिट अपने प्रियजनों के पास रहना चाहती है, इसलिए वो इस दुनिया में रह जाती है। वो ये भी कहता है कि इस बारे में सोचिए कि मृत व्यक्ति क्यों वापस आ जाएगा, रहने के लिए या वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यूं लोगों का विश्वास है कि तस्वीर में छाया और किसी के बीच संबंध होता है और ये छाया किसी की भी हो सकती है। एक माँ, एक पिता, एक प्रेमी या प्रेमिका जिसके साथ अतीत में आपने कुछ अन्याय किया हो। इन सब बातों को सुनने के बाद टून पूछता है कि हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो पिक्चर्स केवल एक बैड एक्सपोजर नहीं है या जाली नहीं है। वो टून को बोलता है कि पोलोराइड्स कैमरा के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम उन्हें कैद कर सकते हो? फिल्म कार्ट्रेट को लोड करो और शटर प्रेस करो और फिर मुझे बताओ कि वो कितने फेक है। तभी जेन पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। वो ऑनर उन्हें कहता है कि शायद जवाब उस तस्वीर में हो। टून और जेन वहां से चले जाते हैं। अगले दिन टून एक कपल की फोटोशूट करता है। काम खत्म होने के बाद एकदम से वो स्पिरिट उसे हॉन्ट करती है और टून को इतना परेशान करती है कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अपने गर्दन की दर्द से परेशान होकर टून डॉक्टर को दिखाता है। जब वो अपना वजन करता है तो उसका वजन उसके वजन के जस्ट डबल आता है। वो डॉक्टर को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद से उसे वो दर्द शुरू हुआ, पर डॉक्टर कहता है कि उसकी रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर उसे बोलता है कि एक्सरे रिपोर्ट भी नॉर्मल है और ये मसल स्ट्रेन हो सकता है और डॉक्टर उसे मेडिसिन दे देता है। टून इन सब चीजों से परेशान हो जाता है। अगली सुबह टून का फ्रेंड टॉन उसके पास आता है और वो बहुत डरा हुआ होता है। वो उससे कुछ फोटोग्राफ्स और एक लड़की के बारे में बोलता है। टून को कुछ समझ में नहीं आता। वो उसकी वाइफ को कॉल करने को कहता है और जैसे ही वो उसकी वाइफ को कॉल करता है टॉन किसी चीज को देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं टून की गर्दन में दर्द हो रहा होता है। जेन के पूछने पर कि उसका दर्द अब कैसा है, वो कहता है ठीक नहीं। उसी दौरान जेन की नजर कुछ फोटोग्राफ्स पर पड़ती है और वो देखती है कि सारे व्हाइट शेडोज बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर फ्लोर पर दिखाई दे रही होती है। ये वही कॉलेज था जहाँ टून पढ़ाई किया करता था। जेन टून के कॉलेज जाती है। वो अपने साथ पोलोराइड कैमरा भी लेके जाती है और उसी फ्लोर पर जाती है जहाँ वो व्हाइट शेडोज फोटो में दिख रहा था। वहां पहुंचकर वो कुछ फोटोज लेती है और उसे फोटोज में एक स्पिरिट दिखाई देती है। जेन डर कर वहां से भागती है। तभी वो स्पिरिट की फोर्स एक फोटो से जा टकराती है। जब जेन उस फोटो को देखती है तो यह उसी लड़की की फोटो होती है जो उस रात उनके कार से टकराई थी। और जब जेन कॉलेज ग्रुप के एल्बम को चेक करती है तब उसे टून के दोस्त और वो लड़की की फोटो एक ग्रुप फोटो में दिखाई देती है और टून की भी पिक उस लड़की के साथ होती है। वो लड़की टून के साथ
उसी कॉलेज में पढ़ा करते थे। दूसरी तरफ टोन अपने दोस्त टॉन के घर जाता है। वहां वो देखता है कि घर की चीजें बिखरी हुई होती हैं और टॉन के भी कुछ फोटोज में वही व्हाइट शैडो जैसा दिखाई देता है। और तभी टोन की आंखों के सामने टॉन उस बिल्डिंग से छलांग मार देता है। टोन चिल्लाता है मगर वो कूद कर आत्महत्या कर लेता है। टोन की मौत की खबर सुनकर उसकी वाइफ वहां आती है और टोन से कहती है, तुम्हें पता था ना कि टोन को क्या परेशान कर रही थी। टोन के मना करने पर वो चिल्लाती हुई बोलती है कि ये सब तुम लोगों के कारण हो रहा है। क्या तुम सब पागल हो गए हो? क्यों हर किसी ने सुसाइड किया है? टोन चौंक कर पूछता है, कौन लोग? टोन की वाइफ बोलती है, तुम्हारे दो और लोगों ने बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी। ये सारे लोग टोन के कॉलेज फ्रेंड होते हैं। इस बात से टोन बहुत परेशान हो जाता है और टोन और जेन बहुत डर जाते हैं। कार में जेन टोन को उस लड़की की फोटो दिखाती है जिसमें वो टोन के साथ होती है। वो पूछती है कि यह कौन है और इसका तुम्हारा क्या रिश्ता है। वो यह भी कहती है, किसी लड़की का शेडो फोटो में दिखता है ना। तब टोन जेन को सारी बातें बताता है कि मैं उसे कॉलेज से जानता था। उस लड़की का नाम नोट्रे है। वो बहुत शांत रहती थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। हमें लगा कि वो अजीब है लेकिन मैं गलत था और मुझे इस बात का बहुत अफसोस था। मैं उससे अकेले में मिला करता था, उससे बातें किया करता था और फिर मैं उसे डेट करने लगा, पर यह बात किसी को भी नहीं पता थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे डर था कि कहीं लोग मेरा मजाक न उड़ाने लगे, इसलिए मैंने धीरे धीरे उससे मिलना बंद कर दिया और एक दिन मैंने उससे ब्रेकअप की बात कह दी। नोट्रे बहुत दुखी हो जाती है और मुझे धमकी देती है कि अगर मैंने रिलेशन खत्म किया तो वो अपने हाथों की नसें काटकर आत्महत्या कर लेगी। मैं गुस्सा करते हुए वहां से चला गया। नोट्रे बहुत डिप्रेशन में आ जाती है और वो खुद को हर्ट करती है। इन बातों को सुनने के बाद जेन पूछती है कि अगर गलती तुम्हारी है तो तुम्हारे दोस्त क्यों मर रहे हैं? इन सब में वो कैसे इन्वॉल्व है? क्या किया था उन्होंने उसके साथ? तब टोन उसे बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने सारी बात अपने दोस्तों को बता दी और टोन ने मुझसे प्रॉमिस भी किया कि वो नेट्रे को संभाल लेगा। और फिर उसके बाद मैंने नेट्रे को कभी नहीं देखा। टोन जेन को यह भी बोलता है कि अब उसे लगता है कि शायद अब वो भी मर जाएगा। उसे मौत का डर सताने लगा था। जेन उसे सांत्वना देती है कि सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। टोन बहुत परेशान होता है, वो काफी घबराया हुआ होता है। वो जेन को कहता है, तब जेन उसे कहती है कि तुम आराम करो। और वो लोग नेट्रे के घर जाने का प्लान करते हैं। तभी उनके सामने रखा हुआ कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और कंटिन्यूस उनके पिक खींचने लगता है। जब वो लोग एक सिग्नल में खड़े हुए होते हैं तो कार के पीछे टोन को नेट्रे की आत्मा दिखती है। वो गाड़ी बहुत तेजी से भगाता है। नेट्रे उसे कार में भी हॉन्ट करती है और वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन जेन को कुछ भी नहीं दिखता। अगली सुबह रास्ते में पता पूछने के दौरान एक बच्चा टोन को देखकर बहुत डर सा जाता है। वो लोग नेट्रे के घर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें नेट्रे की माँ दिखती है। वो उन्हें बताते हैं कि वो नेट्रे के दोस्त हैं। नेट्रे की माँ उन्हें घर के अंदर बुलाती है और बताती है कि नेट्रे की तबीयत थोड़ी खराब है और वो मेडिसिन लेकर आराम कर रही है। ये बात सुनकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। नेट्रे की माँ उन्हें डिनर का ऑफर देती है और वो नेट्रे का फेवरेट डिश बनाने चली जाती है। तभी टोन ऊपर वाले रूम में चला जाता है और वो वहां जाकर देखता है कि वहां नेट्रा की बेड पर नेट्रा की सड़ी लाश पड़ी हुई होती है। इतने में ही नेट्रा की माँ आ जाती है और गुस्सा करती है। वो दोनों उनसे पूछते हैं कि नेट्रा ने सुसाइड क्यों किया और हमें नेट्रा का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन नेट्रा की माँ अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने से मना कर देती है। टोन उन्हें कुछ फोटो दिखाता है और बताता है कि ये सारी फोटोज कैंपस के चारों तरफ ली गई है जहाँ कई कमरों में नेट्रा के शेडोज को देखा गया है। मुझे लगता है कि नेट्रा की सोल रेस्टलेस है। ये सुनकर नेट्रा की माँ रोने लगती है और बोलती है, मेरे प्यारी नेट्रा मेरे पास क्यों नहीं आई? और वो पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि नेट्रा के साथ बैंकॉक में क्या हुआ था? लेकिन टोन और जेन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जेन बोलती है कि शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए हमें उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। और फिर
वो लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। नेट्रा के पिता उन्हें बताते हैं कि कोई नहीं जानता कि बैंकॉक में नेट्रा के साथ क्या हुआ था। जब से वो घर आई थी बदली हुई थी और वो किसी से बात भी नहीं करती थी। एक दिन उसने पिल्स का ओवरडोज ले लिया। किस्मत से उसकी मां ने उसे देख लिया था और समय पर हॉस्पिटल ले गई और वो पूरी तरह रिकवर होने के बाद एक दिन हॉस्पिटल की छत से कूद गई और आत्महत्या कर लिया। इसी बात पर जेन पूछती है कि नेट्रा की मां ने अब तक उसकी डेड बॉडी को क्यों रखा हुआ था। वो कहते हैं कि नेट्रा की मौत के बाद उसकी मां थोड़ी पागल सी हो गई थी। दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी, ये सोचे बिना उसने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और गांव वाले डर गए और कोई भी गांव वाला हमसे व्यवहार नहीं रखना चाहता था। तभी नेट्रा की तस्वीर के सामने की कैंडल बुझ जाती है और वो टुन को पीछे से हॉन्ट करती है। टुन बहुत घबरा जाता है। वो रात एक होटल में ठहरते हैं। रात को सोते समय टुन की कोई चादर खींचता है। जब वो देखता है तब बेड के नीचे नेट्रा बैठी हुई होती है। वो उसे हॉन्ट करती है। वो वहां से भागता है और वो उसे हर जगह दिखती है। वो बिल्डिंग की खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहां भी डराती है और टुन घबरा कर सीढ़ियों से गिर जाता है। अगली सुबह उसकी नींद हॉस्पिटल में खुलती है और जेन उससे कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, आज नेट्रा का अंतिम संस्कार होना है। फाइनली नेट्रा का अंतिम संस्कार हो जाता है और अब उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम जेन को टीके शॉप में देखते हैं जहां वो अपनी फोटोज को लेने जाती है। जेन जब फोटोज को चेक कर रही होती है तब उसे कुछ फोटोज दिखते हैं जो उसके घर की होती है जिसमें उसे नेट्रा की स्पिरिट भी दिखती है। वो सारे फोटोज को एक सीरीज में जब देखती है तो उसे नेट्रा की स्पिरिट एक बुक केस की तरफ जाती हुई दिखती है। जेन को लगता है कि शायद वहां कोई और क्लू भी मिल जाएगा और जेन उस बुक केस में जाकर ढूंढने लगती है जहां उसे एक नेगेटिव रील मिलता है जिसे जेन डेवलप करती है और वो शॉक्ड हो जाती है जब उसे उस सच्चाई का पता चलता है। इन फोटो से पता चलता है कि टुन के दोस्तों ने ही नेट्रा का रेप किया था और जेन ये देखकर रोने लगती है। तभी टुन वहां आता है और वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। सच्चाई देखने के बाद टुन जेन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि टॉन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था और मैं बहुत डर गया था और ये सब मैंने नेट्रा से पीछा छुड़ाने के लिए किया था। वो जेन से माफी मांगता है लेकिन जेन उसकी बातों को नहीं सुनती और वो टुन को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। टुन रोता है और सारी फोटोज को चलाने लगता है। तभी उसे एक फोटो दिखती है जिसमें नेट्रा की स्पिरिट होती है और टुन हाथ में पोलराइड कैमरा लेकर वो नेट्रा की स्पिरिट को आने के लिए कहता है। वो रूम के चारों तरफ फोटोज खींचता है लेकिन उसे नेट्रा की स्पिरिट नहीं दिखती। वो गुस्से में आकर उस पोलराइड कैमरे को फेंक देता है। तभी अचानक से कैमरा ऑटोमेटिक एक पिक्चर क्लिक करता है और जब टुन उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फोटो को देखकर उसकी गर्दन का दर्द होना, उसका वजन बढ़ना, उसकी गर्दन की हड्डियों का मुड़ा होना, बच्चे का उसे देखकर डर जाना और उस मैगजीन के ऑनर की बात एक साथ टुन के माइंड में क्लिक होती है। उस पिक्चर में वो देखता है कि नेट्रा की आत्मा उसके कंधों पे बैठी हुई होती है और नेट्रा उसकी आंखें बंद कर देती है और अपने स्पिरिचुअल पावर से उसे बिल्डिंग के नीचे गिरा देती है। इसके बाद हम जेन को एक मेंटल असाइलम में देखते हैं जहां वो टुन से मिलने जाती है। वो टुन की हालत देखकर रोने लगती है और हम मिरर में देखते हैं कि टुन को नेट्रा की स्पिरिट ने अब भी पकड़ रखा है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी शटर मूवी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।